हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आपको बता दें, आईपीएल से इस समय की लेटेस्ट अपडेट आ रही है, जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा ने अपनी कप्तानी पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल में पिछले 8 मैचों में से लगातार 6 मैचेस हार चुके हैं, जिसके बाद रविंद्र जडेजा ने यह फैसला लिया है कि उन्होंने अपनी कप्तानी पद छोड़ दिया है। अब आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन होंगे? आपको बता दें, रविंद्र जडेजा ने अपनी कप्तानी पद छोड़ने के बाद दोबारा से महेंद्र सिंह धोनी सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे और नए कप्तान सीएसके के बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। रविंद्र जडेजा ने यह कहते हुए अपनी कप्तानी पद से इस्तीफा दिया है कि वो अपने गेम पर फोकस करना चाहते हैं और कप्तानी उनके बस की बात नहीं है, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने कैप्टनशिप दोबारा से हैंडओवर कर दी है और महेंद्र सिंह धोनी ने इसको एक्सेप्ट भी किया है और अब महेंद्र सिंह होंगे सीएसके के न्यू कप्तान, जो कि दोबारा से वो पूरी टीम को लीड करेंगे। आखिर आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।